सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंटरटेनमेंट की पाठशाला। सो इस वीडियो में दिसंबर 22 का जो टर्म था ना सीएमए इंटर का, उसका एक पेपर था कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो उसका पेपर का पेपर मेरे पास आ चुका है, आंसर शीट, सर्टिफाइड आंसर स्क्रिप्ट। तो मेरे मेरे को कैसा, किस मार्किंग से, किस कैसे मार्क्स मिला है मेरे को, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। मैं उससे पहले बता दूं, मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 आया था, ठीक है ना। और तो मेरा पेपर कैसा चेक हुआ है, किस वे में मार्किंग मिला है, और बहुत ही गंदा चेकिंग हुआ है, तो वो भी आपको बताएंगे कहाँ कहाँ गलती किया है इन लोगों ने, किस जगह जहाँ मार्क्स मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसे मार्किंग करेगा ना, तो आप लोग को इवन ट्रस्ट ही खत्म हो जाए कि ऐसे ही मार्किंग होता है। मतलब आप लोग लिख के सोचोगे कि हम 90 लिख के आए हैं और मार्क्स कुछ और ही दे रहा है। तो इस वीडियो को पूरा देखने से आपको क्लियर होगा कि मार्किंग कैसा हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा पेपर है, जैसे कि मेरे को 56 मिला है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ना हम ऑडिट स्टार्ट, क्योंकि हम सोचते थे आधा घंटा में हम जल्दी ऑडिट कर लेते हैं, उसके बाद हम कंपनी अकाउंट्स करेंगे। तो ऑडिट हम सबसे पहले स्टार्ट किए, जहाँ पे देखो 6 MCQ में मेरा 6 MCQ राइट है, 4 में 4 मिला है ये फिल इन द ब्लैंक्स में, और 4 में 4 ट्रू फॉल्स में मिला है। मतलब टोटल 14 मार्क्स का कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ आया था एमसीक्यू, ये ऑब्जेक्टिव, उसमें 14 में 14 मिला। मेरा मेजर पोर्शन में हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस तुम कर लेना, जो कि मेरे चैनल पर दिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट का सर्टिफाइड आंसर स्क्रिप्ट। तो वीडियो बनाया हुआ वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो हर में आप देखोगे ना, मेरा मेजर क्वेश्चन, एक वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज है कि कभी ऑब्जेक्टिव में मार्क्स खोते नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्लस पॉइंट है। भले सब में 20-25 मार्क्स का एमसीक्यू आता है, सब में मतलब एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव पूरा आता है, तो 20 प्लस मेरा रहता ही रहता है। तो हम कभी वो वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आप लोग को पढ़ना चाहिए, ताकि सारा चीज़ एटलीस्ट आप ऑब्जेक्टिव में पूरा अच्छा मार्क्स उठा पाओ, राइट। उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन बी ऑडिट का क्वेश्चन नंबर हम 10 का डी लिखा सबसे स्टार्टिंग में। ये शॉर्ट नोट्स था जो 4 मार्क्स करके आता है, जिसमें ऑडिटर ड्यूटी ड्यूटी रिगार्डिंग इश्यू बोनस शेयर था। मैंने लिखा है टोटल ना 7 पॉइंट्स लिखा है, 7 पॉइंट, और मेरे को मिला है 2, ठीक है ना। मतलब 50% मिला है, ठीक है, टोटल 50% मिला है। आप लोग को हम एक बार अगर हम दिखा दें पेपर, तो आप लोग को थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ऑडिट देखो, सबसे पहले 10 का डी, ऑडिटर ड्यूटी रिगार्डिंग द ऑडिट ऑफ इश्यू ऑफ बोनस शेयर, 4 मार्क्स का था, मेरे को 12 मिला, ये सॉरी मेरे को 2 मिला। और इन लोग का भी अगर पेपर, इन लोग का सजेस्टेड आंसर में देखो ना, एक एक लाइन का हर एक पॉइंट है, और 8 पॉइंट दिया है, ठीक है। और मैंने 7 दिया, लेकिन सारा पॉइंट सेम है, सारा पॉइंट कोई भी लॉ के अगेंस्ट नहीं है, सारा पॉइंट जो होना चाहिए वही हम लिखे हैं, ठीक है ना। इसलिए हर हर पॉइंट में देखो टिक है मेरा, मेरा राइट है, लेकिन हमको 4 में 2 दिया। मतलब कि इससे तो यही पता चलता है ना कि अगर हम 80 मार्क्स का करके आएंगे, तो मेरा 40 आना भी श्योर नहीं है। तो मार्किंग ऐसा ही होता है थ्योरी पेपर, थ्योरी पर्टिकुलर पेपर में मार्किंग मेरा तो ऐसा हुआ है। इसे हम इस तो जब टीचर लोग, मेरा ट्यूशन टीचर मोहित अग्रवाल सर थे, वो जैसा लिखा है वैसे सेम लिखे, बट मेरे को मार्क्स अगर हाफ मिले, ये 4 में 2 मिलेगा, तो हम क्या ही करेंगे। अभी आगे आगे और पता चलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना क्या क्या ये ब्लंडर हुआ है चेकिंग में मेरा स्पेशली, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर मैंने ऐसे भी लिख दिया था, ऐसे 299, सोचा कि इम्प्रूव ये होगा, एग्जामिनर इम्प्रेस होगा, बट कुछ हुआ ही नहीं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूछा था, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी 5 पॉइंट लिखा, और मेरे को कितना मिला है, 2 मिला, 4 में अगेन 2 मिला है, ठीक है। सब कुछ प्रॉपर लिखा था, फिर भी 4 में 2 मिला। उसके बाद एनी 3 करना पड़ता है शॉर्ट नोट्स, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद फीचर ऑफ इन्वेंट्री, देखो फीचर ऑफ इन्वेंट्री सब राइट है, सब राइट है, सब राइट है, और मेरे को कितना मिला पता है, 1 मिला है, ओनली 1। 6 पॉइंट लिखा मैंने, और सारा पॉइंट में देखो टिक है, सारा राइट है, और मेरे को मिलता है सिर्फ और सिर्फ 1, 5 मिलता है 12 में, जबकि हम सोचे थे कि मेरा बहुत अच्छा गया ये वाला क्वेश्चन, बट मेरे को 5 मिलता है। तो इतना हम सपने में भी नहीं सोचे थे बिफोर एग्जाम, मतलब आफ्टर एग्जाम, कि मेरे को इतना खराब मार्किंग मिलेगा, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स ऑडिट वाला मेरा एग्जाम लास्ट एग्जाम था और काफी अच्छा गया था। अब क्वेश्चन नंबर A7 का एक क्या था, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर था एक, ये क्वेश्चन ना 6 मार्क्स का था, जिसमें हम सबसे पहले ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है वो हम डिफाइन किया, फिर कंटेंट लिखा। कंटेंट देखो ना सारा लिखा, 6 में हमको कितना मिला पता है, तुमको 1 मिला है, 6 में सिर्फ हमको 1 दिए। और इन लोग का आंसर, सजेस्टेड आंसर देखो, कंटेंट ऑफ, मैं अभी बता देता हूँ 6 मार्क्स में क्या है। ये देखो ये कंटेंट का है, जिसमें इन लोग का 10 पॉइंट लिखे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो चीज हम लिखे वही चीज वो लोग भी लिखे हैं, ठीक है ना। बेस ऑफ बेसिस ऑफ फॉर कॉम्पिटिशन ऑफ ऑडिट फीस एंड बिलिंग अरेंजमेंट, यही सब मेरा भी लिखा हुआ है। बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ ऑडिट फी बिलिंग अरेंजमेंट, सारा चीज हम लिखे हैं,
सारा चीज लिखे हैं, लेकिन मेरे को मिलता है एक, भले एक दो पॉइंट हम नहीं लिखे, ठीक है भाई तुम दो तीन मार्क्स काट लो भाई, एटलीस्ट तीन तो मिलेगा, बट वो भी नहीं, या एक बैठा के मेरा छोड़ दिया, मतलब हम 6 मार्क्स का सोचे लिख के आए और मेरे को एक मिलेगा, 1/6, ऐसा हाल हो गया। ये 7 का भी इंटरनल चेक था, ऑडिटर ड्यूटी सारा लिखे, इसमें मेरे को 6 में 2 दिया, 6 में 2 मतलब कि 12 मार्क्स में मेरे को यहाँ 3 मार्क्स मिला, मतलब इस वे में मार्किंग करेगा, अगर हम जो ऑब्जेक्टिव में राइट नहीं होता ना, सब कंफर्म बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ पे फेल हो जाता मैं इस सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं उठाता तो, जिस तरह मार्किंग हुआ, मतलब सोचूंगा कि पेपर अच्छा गया, बट टीचर देखो मेरा ऑटो पेपर में 2 टाइप के टीचर हमको देखने को मिले हैं, एक जो इतना खराब चेकिंग मत बोलो, और एक टीचर जो डिसेंट सा चेकिंग करता है, थोड़ा बोरा मार्क्स काटता है, पार्ट मार्किंग जरूर देता है, बट ये टीचर इतना भयानक था ना, मेरा 4 पेपर लग रहा है एक ही टाइप का टीचर चेक किया है, मेरा 4 पेपर पूरा नष्ट हो गया, 56 के अराउंड सब है, बाकी 4 पेपर में अराउंड 80+ है सब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी फिर मैंने किया, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट क्या है और क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट में फीचर्स क्या है, तो फीचर एक्चुअली पूछा था फीचर ऑफ क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, मैंने पहले ऑडिट रिपोर्ट लिखा क्या होता है, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, फिर उसका फीचर मैंने लिखना चालू कर दिया, फीचर लिखा 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 सारा पूरा 6 पॉइंट लिखा, 6 पॉइंट पे मेरे को मिलता है 6 में 3 मिलता है, 3 तो अब इसमें अब हाफ ही मार्क्स मिल रहा है, किसी में तो एक मिल रहा है, एटलीस्ट उससे तो बेटर है, हाफ मार्क्स मिलता है। ठीक है, अब आता क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बोला गया था, तो कौन प्रिपेयर करता हम वो लिखा, अपॉइंटमेंट कैसे होता वो लिखा, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है, टाइम लिमिट क्या होता है, ये सारा चीज लिखा, अगर हम देखें कॉस्ट ऑडिट के बारे में बोला क्या, ठीक है तो अगर हम क्वेश्चन दिखाए तुम लोग को, तो डिस्कस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोला गया था, ठीक है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में, तो सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के बारे में तो थोड़ा सा ही पता है, कब कॉस्ट ऑडिटर कितना रिपोर्ट सबमिट करता है, तो वो सब था, हम एटलीस्ट अपॉइंटमेंट लिख दिया था पहले, उसके बाद कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट और टाइम लिमिट लिख दिया था, कब किसको जमा देना पड़ता है, सारा चीज राइट है, बट मेरे को मिलता है यहाँ पे 6 में तो बहुत ही खराब चेकिंग, ठीक है इसमें मिलता। आप कंपनी अकाउंट देखो, कंपनी अकाउंट का ना ये देखो एमसीक्यू 6 में 6, 4 में 4, 4 में 4, मतलब इसमें भी 14, मतलब 28 में 28 लाया है इसमें, ठीक है नो डाउट, अब बाकी मेरे को बाकी सब मिला के हमको 28 मिला है, इतना खराब। तो पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले स्टार्ट किए थे हम ये कंपनी अकाउंट्स, इससे स्टार्ट किए थे शॉर्ट नोट से, क्योंकि हमको एक शॉर्ट नोट लिखना है, बिजनेस सेगमेंट ये 4 मार्क्स का आता था, रिपोर्टेबल क्या होता है कैसे क्या करते, इसमें 4 में 3 मिला, हमको लगता है कि ऑडिट का पेपर कोई और चेक किया और कंपनी अकाउंट का लग रहा है कोई और चेक किया, इसी तरह इसमें 4 में 3 मुझे मिल गया, सारा चीज़ हम लिखे पॉइंट वाइज, सारा 5 पॉइंट लिखे। फिर आता है क्वेश्चन इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो हम यहाँ ठीक है तो सारा चीज़ पॉइंट लिखे, तो इसमें भी हमको 3 मिला, कि एज पर सेक्शन 52 क्या होता है, कितना चीज कितना कितना वे में हम लोग मतलब इश्यू ये सिक्योरिटी प्रीमियम इश्यू कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ लिखा था। एक था कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखा, टाइप्स लिखे था, टाइप्स के ऑपरेटिंग ये वो, तो मेरे को 4 में यहाँ पे 2 मिला, ठीक है अब ठीक है, ये एटलीस्ट ये पहला एक क्वेश्चन दिख रहा है हमको, जिसमें तीनों पार्ट में एटलीस्ट थोड़ा डिजायरेबल नहीं है, बट ठीक है चल सकता है, इतना मार्किंग चल सकता है, ठीक है हाफ 3 दिया 4 में, ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सुनना क्वेश्चन नंबर 2 का, ये देखो अभी पता चल जाएगा राइट, ये आंसर अब देखो, सबसे पहले 2 का ये ना 4 मार्क्स का 2 क्वेश्चन था, अंडर राइटर लाइबिलिटी निकालना था, तो हम पूरा सम्स बनाया, अंडर राइटर का लाइबिलिटी इन शेयर, शेयर में लाइबिलिटी क्या होगा वो निकाला, 4 मार्क्स मिला, ठीक है ये देखो राइट हो गया, देखो 22,500 और 27,500 था, ठीक है राइट हो गया, ठीक है और देखो यहाँ पे बी और सॉरी ए और सी का नील है, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन था डिटर्मिनेशन ऑफ 4 मार्क्स के, ये था अंडर राइटर लाइबिलिटी इन अमाउंट, अमाउंट में कितना लाइबिलिटी है, तो मैंने पूरा फॉर्मेट बना के डिटरमाइन किया और यहाँ लिखा, जैसे कि यहाँ पे बी का अंडर बी का लाइबिलिटी आया 165 और इसका 255 है, तो लाइबिलिटी इन अमाउंट बी और डी का बी का 165 है और डी का 255, यहाँ देखो बी का 165 और डी का 255 राइट, यही लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे देखो ए और सी का नेगेटिव देखिए तो उसका लाइबिलिटी नहीं, उसको कमीशन मिलने वाला है, उसको लाइबिलिटी हम कैसे लिख सकते हैं, ये पूरा राइट हम लिखे पूरा चीज की, यहाँ पे पूरा काट के मेरे को 0 दे दिए, जबकि हमको 4 आउट ऑफ 4 मिलना चाहिए था, जबकि पूरा आंसर में राइट है, अगर हम मेरे से क्वेश्चन पूछता लाइबिलिटी कितना है तो हम बी और डी का लाइबिलिटी तो हम वही नहीं लिखेंगे, जैसे ये लोग अपने फर्स्ट वाले में लिखे है कि बी और डी का ही शेयर वाला लाइबिलिटी है,
तो वही लिखेगा ना, नील लिख दिया बाकी में। वैसे तो हम भी कहने, ये लोग अगर ए का लाइबिलिटी ही नहीं है, जैसे कि ए का लाइबिलिटी ही नहीं, वो कमीशन पाता है, तो उसको लाइबिलिटी में हम क्यों डालें? ठीक है, तो हम पूरा आंसर लिखा, हम इसलिए तो ए और बी का मैं ये नील कर दिया, नील लिखाया, लेकिन ये लोग पूरा काट के जीरो दे दिया। क्यों जीरो दिया? मान लो कि हम हमको ए और सी का लिखना था, बट बी और डी का तो पूरा पूरी राइट था ना, इस पे तो मार्क्स मिलता, काट के जीरो दे दिया पूरा ये, जबकि पूरा चीज हमको चार में चार मिलना चाहिए था। अब आते हैं, देखो ए 16 बोरिंग कॉस्ट था क्वेश्चन टू का भी। इसमें देखो मेरे को सम्स नहीं आता था बोरिंग कॉस्ट का, तो टीचर लोग बोलते थे छोड़ के मत आना, तो मैंने ना बोरिंग कॉस्ट का कुछ लिख दिया, कुछ भी थोड़ा बहुत, कैसे क्या होता है, काट के जीरो दे दिया। मतलब कि मेरा तरकीब काम नहीं है, हम सोचा था कि दया करके एक मार्क्स दे देगा कि एटलीस्ट थ्योरी लिख दिया है, सम्स कर जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ। नहीं, ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं चलेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 का भी, जहाँ पे हमको निकालना था रिबेट। ये 3 मार्क्स का था, 3 में 3 मिला, इसमें कोई ये नहीं है, रिबेट निकाला था। अब आता है फाइनल क्वेश्चन। फाइनल क्वेश्चन आया था 12 मार्क्स का कैश फ्लो। अब तुमको बता दे, कैश फ्लो इतना लास्ट में मेरा कैश मिल गया और बहुत ज़्यादा खुशी है कि लास्ट में कैश मिल गया, सब कुछ किए, बट ये ना, ये टीचर मेरा एक अमाउंट भी चेक नहीं किया, एक अमाउंट भी चेक नहीं किया, और काट के मेरे को पूरा जीरो दे दिया, पूरा जीरो। मान लो कि मेरा कैश फ्लो नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल नहीं मिला, नहीं मिला नहीं, पहले देख लो तुम, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑपरेटिंग फाइनेंशियल नहीं मिला, कोई एक भी पॉइंट में गलती हो सकता है, पता नहीं, या फिर इन लोग का गलती है, वो तो हमको नहीं पता, बट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8,000 है। ठीक है, मेरा देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 8,000 है, यहाँ पे देख पा रहे हो 8,000, यहाँ पे ये मिला ना, ये राइट है ना मेरा। और इवन बहुत सारा एडजस्टमेंट होता है कैश फ्लो में, तो हम बहुत चीज़ तो राइट लिखो, कोई एक अमाउंट अगर हम गलत लिख देते हैं तो मेरा कैश फ्लो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एरर आ जाएगा, और लेकिन मेरा कैश बैलेंस मैच किया था, कहीं ना कहीं हम थोड़ा एक दो एक जगह एरर कर दिए होंगे जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो, बट काट के जीरो दे दिया मेरे को, जबकि मेरे को मार्क्स मिलना चाहिए था, हम पूरा डिजर्व करता था इसमें मार्क्स पाना, बट एक भी मार्क्स मुझे अलॉट नहीं हुआ। तुम ही सोचो ना, कैश फ्लो तुम पूरा करके आओगे तो तुम सोचोगे भाई एटलीस्ट ऑपरेटिंग गलत जाएगा तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो राइट ही, नहीं, पूरा काट के अगर जीरो दे देगा तो कैसे पास होगा कोई लोग, कैसे पास होगा मेरे को ये बताओ। अगर ट्रस्ट में अगर मेरा ऑब्जेक्टिव राइट नहीं होता तो हम इस सब्जेक्ट में फेल हो जाते। डेप्रिसिएशन का नोट्स निकाला मैंने, सबका नोट्स किया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता ना, सारा चीज काट के मेरे को जीरो दे दिया गया। इतना मतलब कि एक पॉइंट चेक भी करने का मन नहीं किया ना कि एक पॉइंट सही है कि नहीं है, स्ट्रेट अवे, मतलब एग्जामिनर काट दिया, जीरो लिख दिया, ये क्या है भाई। सही में इतना एडजस्टमेंट करके भी, एक एडजस्टमेंट मान लो कि कहीं पे रॉन्ग हो भी गया तो एटलीस्ट पार्ट मार्किंग का तो कोई कॉन्सेप्ट होता है ना, पार्ट मार्किंग को ही दिया ही नहीं। मुझे तो लगता है मेरा एनी हाउ राइट ही है, मुझे तो लगता है, जहां तक कहीं एक बार गलत हुआ तो उसके वजह, बट ठीक है भाई, पार्ट मार्किंग तो मिलेगा ना, बट वो भी नहीं मिला, तो तुम ही लोग बताओ भाई कि मिलना चाहिए कि नहीं मार्क्स, मिलना चाहिए तो एटलीस्ट 12 मार्क्स का सम से एटलीस्ट 4 दे देता, कुछ नहीं दिया। तो इसी के साथ मेरा ये वाला तो क्वेश्चन खत्म हुआ, क्योंकि इस वे में मार्किंग किया है और मन ही नहीं कर रहा था और पेपर बनाने का, इस वे में मार्किंग हुआ है मेरा सही में, इसीलिए इतना खराब मार्क्स है, इसलिए हम पेपर मांगा कि देखिए लोग मार्क्स कैसे दिया, ताकि हम फाइनल में इम्प्रूव कर पाए। अब क्या इम्प्रूव करेंगे जब इन लोग मार्क्स ही हाफ ऑफ करके देगा टीचर लोग, तो हम क्या इम्प्रूव करेंगे, मतलब तो हमको 100 मार्क्स लिख के आएंगे तब हम 50 का उम्मीद करेंगे, यही तो कर सकते हैं ना, और कुछ कर नहीं सकते। तो होपफुली देखो टीचर अच्छा मिले तो बेटर है, अगर टीचर मेरे जैसा जिसमें मिला है तब तो सोच लो, तुम लिख के आए उसका हाफ, और जिसमें थोड़ा खराब भी लिखे हो तो उसमें तो 1 देगा, 6 में 1 देगा, मेरे को 6 में 1 मिलता है, 6 में 2 मिलता है, और जो सम्स राइट होता है उसमें 0 मिलता है, जो सम्स में थोड़ा सा गलत होता है पूरा काट के 0 दिया दिया जाता है, यही था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मेरे साथ हुआ, होपफुली आप लोग एटलीस्ट पता चले कि क्या होता है पेपर में, किस लिए मार्क्स कम आते हैं। आप डेफिनेटली अपना पेपर जरूर मंगवाओ कभी भी, देखो कहाँ गलती हुआ है, कहाँ क्या किया है, ठीक है ना। सो इस वीडियो में यहीं तक, और कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फर्दर जो भी सी में रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली मेरे चैनल पर आएगा। और ऑब्वियसली मेरे से कोई टिप्स चाहिए, ऑब्वियसली ऑल इंडिया रैंक है तो कुछ भी होगा डाउट कि कैसे क्या करना है, तो वो पूछ सकते हो मेरे से कमेंट में। सो थैंक यू सो मच।